उड़ीसा के रायरंगपुर के दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली, क्योंकि वो स्वयं शिक्षिका भी थी, पंचायत सदस्य भी बनी, फिर मंत्री भी बनी, झारखंड के गवर्नर भी बने और आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, भारत का सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आज विराजमान है। पहली बार 75 वर्ष की आजादी में कोई गरीब आदिवासी परिवार से महिला भारत का राष्ट्रपति बन, और उसकी जीवनी अगर आप देखेंगे तो उनके पति की भी मृत्यु हो गई थी, दो जवान बेटे की मृत्यु के बाद भी उसने विचलित नहीं हुई और समाज की सेवा करती रही, और परिणाम स्वरूप आज वो हमारे राष्ट्रपति महोदया। तो उसकी जीवनी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। परिवार में स्थिति परिस्थिति कभी अच्छी रहती है, कभी खराब रहती है, लेकिन उस स्थिति और परिस्थिति से जूझते हुए आपने जो लक्ष्य बनाया, आपने जो सपना जिंदगी में देखा, उस सपना को पूरा करने के लिए हम कभी भी अपने लक्ष्य से हटे नहीं, इसको ध्यान में जरूर बच्चे बच्चियां रखेंगे। छुट्टी के दिन भी आप सब यहाँ आए, इसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। सरकार भी चाहे केंद्र सरकार हो, अब देख रहे हैं पूरे देश में केंद्र सरकार है 740 एकलव्य विद्यालय खोल रहे हैं, नवोदय विद्यालय खोल रहे हैं, उड़ीसा सरकार भी स्मार्ट मॉडल स्कूल स्मार्ट क्लास चला रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे बच्चियां 9-10 क्लास में जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय वैसे लोग को असीमित अवसर देगा जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास विशेषताओं का भंडार है, वही समाज वही राज देश आगे बढ़ेगा। तो हमें किताब से दोस्ती करनी चाहिए, ई लाइब्रेरी से दोस्ती करनी चाहिए, ताकि हमारा ज्ञान का प्रभाव पड़े। आज फिर मैं आप सबके बीच संडे के दिन आ पाए, इसके लिए स्कूल के पूरी टीम बच्चे बच्चियों को बहुत बधाई।